Hello everyone, a very very warm welcome to the JEE Chemistry YouTube channel by An Academy. Dear student, JEE 23 को target करते हुए हम लोग एक बहुत ही specific series के साथ चल रहे हैं, जिसमें 15 minutes के एक dedicated session में एक particular topic के सारे important concepts को include करते हुए एक session रखेंगे. आज का session हम लोग का atomic structure का एक important topic है, cathode and anode rays. तो उसी पे आज का हम लोग का पूरा ये वीडियो है. Here I am Gaurav Dikshit, आपका केमिस्ट्री एडुकेटर विद अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 13 इयर्स. तो डियर स्टूडेंट, इन 13 इयर्स में मैंने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन इन द आईटी जेई मेंस एडवांस दे रखे हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द सीरीज ऑल अबाउट. तो आज का टॉपिक है कैथोड एंड एनोड रेस. कैथोड रेस, कैथोड रे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वेरी वेरी क्रूशियल था. सबसे पहले अगर इसकी थियोरी को स्टार्ट किया जाए तो जूलियस प्रकर, जूलियस प्रकर एंड डब्ल्यू क्रुक्स, डब्ल्यू क्रुक्स ने 1879 में कैथोड रेस की प्रॉपर्टी को स्टडी किया. इसके बाद सर जे जे थॉम्सन ने 1897 में मेजर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया 1897 में इन द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. तो क्या है पूरा आइए समझते हैं. कैथोड रे में यह था पूरा कंसेप्ट. सबसे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया गया. ये रहा, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के क्रॉस कनेक्ट किया. यहां पर वैक्यूम के लिए, इवैक्यूएशन के लिए आपने रखा. ठीक है, अब सुनिएगा. यहां पर आपने ग्लास रखा, इलेक्ट्रोड के अंदर एक गैस को इनक्लोज किया एट अ प्रेशर ऑफ 10^-2 mm ऑफ मर्क्यूरी, -2 mm ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, अब यहां पे volt ऑफ पोटेंशियल इज अप्लाइड. volt ऑफ पोटेंशियल इज अप्लाइड. प्रेशर 10^-2 mm का हाई पोटेंशियल अप्लाई किया और हाई पोटेंशियल जब आप अप्लाई करते हो तो यहां से, अब मैं गैस को हटा रहा हूं, यहां से स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल एमिट होते हैं कैथोड से. ये है कैथोड और इधर है एनोड. ओके, यहां से एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल एमिट होती है. दोज रेस आर सेड टू बी कैथोड रे, क्योंकि ड्यू टू ओरिजिनेशन फ्रॉम कैथोड, कैथोड से निकलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कैथोड रे बोलते हैं. ड्यू टू ओरिजिनेशन
from cathode, such rays are called as cathode rays. Okay, ठीक है सर. अब खास बातें कैथोड रेस के बारे में. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेस. सबसे पहले कैथोड में खास बात, दीज आर द की पॉइंट्स. कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पहला पॉइंट. कैथोड रे possesses energy, बिल्कुल सही. Hence, it is a material particle. Okay, next, in electric field, कैथोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. ठीक है, यानी इसका मतलब अब तो बात कंफर्म होगी कि कैथोड रे पे चार्ज जो होगा, इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज है. यानी यहां पर इन पे नेगेटिव चार्ज है. नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रे पोसेसेस द आयनाइजिंग पावर. यानी कैथोड रे में सबसे खास बात है, कैथोड रे पोसेसेस द आयनाइजिंग पावर. यानी यहां पर आपको आयनाइजेशन करने की टेंडेंसी मिल जाएगी. यानी कैथोड रे पोसेसेस द आयनाइजिंग पावर. ओके, इसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हो कि कैथोड रे में सबसे खास बात, दे कैन प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास ट्यूब. यानी कैथोड रे कैन प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस. यानी आप यहां पे सिंपली कहोगे फ्लोरोसेंस इज अ टाइप ऑफ अ ग्लो, फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास सर्फेस. यानी ग्लास इलेक्ट्रोड पे वो एक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फ्लोरोसेंस. ये सब बहुत बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी थी. अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं, दैट इज चार्ज इज टू मास रेशियो. चार्ज इज टू मास रेशियो यानी ई बाई एम की बात करें. हियर वी गो, ई बाई एम रेशियो. ई बाई एम रेशियो की बात करें तो कैथोड रेस के लिए जो E by M है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 1.7588 into 10 to the power of 11 कूलम पर ग्राम, कूलम पर केजी. दिस इज द वैल्यू ऑफ E by M फॉर द कैथोड रे, 1.7588 into 10 to the power of 11 कूलम पर केजी. यहाँ E है चार्ज, और m है मास. e है चार्ज, m है मास. ओके, ये जो e by m है ये कांस्टेंट है. यस बेटा, ये e by m की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट है फॉर एनी गैस. यानी गैस पे
डिपेंड नहीं करती है, यानी ये वैल्यू आप कह सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर नेचर ऑफ गैस एटसेट्रा, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर नेचर ऑफ गैस एटसेट्रा। ओके चलो यहां पर आगे मूव करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग 9.1 × 10⁻³¹ kg और चार्ज लेंगे −19 कूलम, दैट्स इट। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो ME इज इक्वल टू MH अपॉन 1837, 1837 टाइम्स होगा इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास का। ओके तो आइए आगे मूव करते हैं। ये था कैथोड रे के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर नेचर ऑफ गैस। सिमिलरली हम लोग डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज कहते हैं। यस, इनको एक और नाम पॉजिटिव रेज कहा जाता है। इसकी कहानी शुरुआत कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और द पॉजिटिव रेज। यहां का पूरा कंसेप्ट भी वैसा ही है, यही पे टर्म एनोड रेस बोला जाता है, लेकिन टेक्निकली पॉजिटिव रे और एनोड रे को आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे डिफरेंस है। एनोड रे जैसा कोई टर्म नहीं बोला जाता, कैथोड रे कभी, कैनाल रे कभी भी यहाँ पर आपको एनोड रेस नहीं कही जाएंगी। क्यों नहीं कही जाएंगी, आइए समझते हैं। ये रहा पार्ट, ये देखिए कंसेप्ट ही एकदम अलग है। ये रहा पार्ट, अब यहां पे ड्यू टू हाई पोटेंशियल आयनाइजेशन ऑफ गैस होगा। और आयनाइजेशन ऑफ गैस में पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, कड़ाक पॉजिटिव वाला पार्ट रेस के फॉर्म में इधर चला जाता है और नेगेटिव वाला पार्ट इधर चला जाता है। ये है सबसे खास पार्ट, ये है सबसे खास, यानी कैथोड रे में कैथोड से निकल रही थी, यहां पे आयनाइजेशन ऑफ गैस से आता है। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द मेजर डिफरेंस। वहां एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल ही प्लस माइनस में स्प्लिट होगा। इधर की तरफ आप जा रहे हो, ये जा रही है कौन सी रे, पॉजिटिव रे, और यहां पे ये जा रही है कौन सी रे, नेगेटिव रे। साइमल्टेनियस पॉजिटिव और नेगेटिव रे यहां पे जाती है। अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, बस एक बात का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी सिमिलर है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं,
ठीक। डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ई बाय एम वैल्यू वेरिएबल है, ई बाय एम वैल्यू वेरिएबल है, यस ई बाय एम वैल्यू वेरिएबल है। अगर हम बात करें ई बाय एम वैल्यू फॉर हाइड्रोजन गैस, इट इज ऑब्जर्व टू बी मैक्सिमम। नाइन पॉइंट फाइव एट टेन टू द पावर ऑफ सेवन कूलम पर केजी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई बाई एम। ई बाई एम इज द चार्ज इसके मास रेशियो पर, ये मैक्सिमम है हाइड्रोजन गैस के लिए। तो ये सारा पार्ट इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छे से हमने इसके सारे की पॉइंट्स को कवर अप कर लिए। ई बाई एम यानी यहाँ पे ई बाई एम वेरिएबल है, ठीक है। तो ये सीरीज को हम लोग एंड ऑन करते हैं, मूव करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट सेशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, लेट्स क्रैक इट।